हारमोनियम सीखने के हमारे छठे लेसन में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि छठे अलंकार को सही फिंगर पैटर्न के साथ कैसे बजाया जा सकता है, जिससे आपकी उंगलियां हारमोनियम के ऊपर चलनी शुरू हो जाए, और उसको सही तरीके से कैसे आप गा सकते हैं, कैसे गा के प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में अगर आपको वोकल की तैयारी करनी है तो ये अलंकारों को शुरुआत में ही आपको गा के प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए देखते हैं। छठे अलंकार में 6 स्वर है। सा रे गा मा पा धा, ये सही पैटर्न है। 6 स्वर है, धा तक जाएंगे। सा रे गा मा पा धा, फिर रे गा मा पा धा नी, फिर से रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद गा वापिस आगे। ठीक है, ये सही तरीका है गा के बजाने का। अब इसको प्रॉपर वे में कैसे गाएंगे, एक फ्लो में कैसे गाएंगे वो देखिए। सारे गा मा पा धा, सारे गा पा धा, धा पा धा। ठीक है, फिर अभी भी धीरे धीरे इसको फास्ट करिए, थोड़ा अभी लय बढ़ा के इसको प्रैक्टिस करिए। सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। एक बार और देखिए। सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा, अभी फास्ट बीट में जाएंगे, यानी बिल्कुल जितना फास्ट बजा सकते। सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी सा, नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। So, ये सही तरीका है किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी अलंकार को गाने का, प्रैक्टिस करने का। इस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। कोशिश करें कि हर एक वेरिएशन में, जैसे स्लो स्पीड में कम से कम उस अलंकार को 20 बार बजाए, फिर फास्ट स्पीड मीडियम स्पीड में 20 बार बजाए, फिर फास्ट स्पीड में बजाए। इस तरीके से एक अलंकार को जब तक आप 100 बार नहीं बजाते तब तक वो अलंकार संपूर्ण रूप से तैयार नहीं होता। गा के और बजा के आपको दोनों रूप से कोई भी अलंकार आना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।